हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी मिठाई जो सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट से बन जाती है। और आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर और लाइक करना। हमें एक इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है चावल। एक कटोरी चावल को हमने अच्छे से पीस लेना है। हमने एक कटोरी चावल को अच्छे से पीस लिया है। उसके बाद हमने एक कटोरी चावल लिए है, उसी मात्रा में हमें एक कटोरी चीनी की लेनी है। अगर हम आधी कटोरी चावल के आटा लेंगे तो हमें आधी कटोरी चीनी लेनी है। उसके बाद हमें एक कढ़ाई गैस पर रखनी है, गर्म हो जाए। उसके बाद हमें 2 टेबलस्पून घी की डालनी है। घी को अच्छी तरह से गर्म करने रख देना है। घी गर्म हो जाए उसके बाद हमने चावल का आटा जो पीस कर रखा था वो इसमें हमें डाल देना है। ये एक एंशंट रेसिपी है, ये आपने किसी भी चैनल पर नहीं देखी होगी, सिर्फ मेरी चैनल पे इसकी रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। इसका नाम है हरी हो। ये एंशंट रेसिपी है, पहले के ज़माने में ये रेसिपी बहुत ही बनाया करते थे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये रेसिपी। चावल के आटे को हमने अच्छे से चारों ओर से सेक लेना है। लो फ्लेम में हमें चावल का आटा सेकना है। अच्छी सी हमें सेकने की खुशबू आने लगे तब तक हमें सेकना है। ये अच्छी तरह से सेक गया है, उसके बाद हमें गैस में से उतार लेना है और चारों ओर से फैलाकर इसे ठंडा करने रख देना है। ठंडा करने के बाद इसमें हमें एक कटोरी चावल लिया था, इसलिए हमें 6 कटोरी दूध की लेनी है। हमने आधी कटोरी अगर चावल का आटा लिया होता तो हमें 3 कटोरी दूध की डालनी होगी, उसी मात्रा में हमें रखना है। 6 कटोरी हमने दूध डाल दिया है। उसके बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से चलाना है। अच्छे से मिक्स करते हैं तो हमारा आटा और दूध अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और स्मूथ टेक्सचर मिल जाता है। और ठंडा करने हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अगर हम दूध डालेंगे गर्म में तो वो करकरा हो जाएगा, इसलिए ऐसा टेक्सचर हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमें पहले ठंडा करने रखना है, बाद में ही हमें ठंडा हो जाने के बाद दूध डालना है। गैस पर हमने चढ़ा दिया है और अच्छे से हमें चारों ओर से हिलाना है। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हमें और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ जो भी हमें घर में है उसमें से ये अच्छे से मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। और अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। चारों ओर से अच्छे से हिलाना है। ये मिक्स होने लगा है। अच्छे से हमें हिलाना है, टेक्सचर गाढ़ा होने लगा है। उसके बाद 1 कटोरी हमने शुगर ली थी वो इसमें डाल देनी है और अच्छे से हिला देना है कि ताकि सब भी मिक्स हो जाए। हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये पैन में चिपके ना, तब तक हमें मिक्स करना है। अच्छी तरह से हिलाना है ताकि तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने सभी मिठाइयाँ खाई होगी पर आपने चावल की मिठाई कभी नहीं खाई होगी। ये ऐसी रेसिपी है जो झटपट बन जाए और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए हमें, हमारे घर में सभी मौजूद होता है। हमारा मन घर में मन हो कुछ मीठा खाने का तो ये झटपट बन जाता है और सभी को अच्छा भी लगता है। अच्छे से चारों ओर से हमें मिक्स कर लेना है और तब तक खिलाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए।
फ्रेंड्स ये गाढ़ा होने लगा है, ये अभी चिपक नहीं रहा है फ्रेंड्स, देखो तब तक हमें हिलाना है और मिक्स करना है। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और ये चिपक नहीं रहा है। फिर हमें इसे ठंडा करने रख देना है, गैस से उतार लेना है। ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इलायची की पाउडर हमें इसमें डालनी है। हमें एक प्लेट में घी लगा देना है जिससे कि वो चिपके ना, और सारा मिश्रण हमें प्लेट में डाल देना है और अच्छी तरह से फैला देना है। इलायची पाउडर और मिश्रण मिक्स हो जाए उसके बाद हमने प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में सारा मिश्रण डालने के बाद अच्छी तरह से चारों ओर से फैला देना है जिससे कि वो गर्म ना रहे और ठंडा हो जाए। ये इसकी प्रोसेस बहुत ही आसान है और टेस्टी और हेल्दी भी है। चारों ओर अच्छी तरह से फैला देते हैं। फैला देने के बाद अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर देने के लिए हमने एक बाउल लिया है और उसकी मदद से हमने फैलाया है जिससे कि स्मूथ टेक्सचर मिल जाए और अच्छी तरह से हम कट कर सके। देखो फ्रेंड्स वो अच्छी तरह से बाउल से मिक्स फैल गया है। फिर इसे हम ठंडा करने रख देते हैं। ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से कटिंग हो जाती है उसके जब हमने इस मिश्रण को ठंडा कर देते हैं। कटिंग कर लेने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारा हेल्दी एंड टेस्टी स्वादिष्ट मिठाई बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगे। बाय बाय।